हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र कोठारी बात कर रहा हूँ। केपीएल के बाद से अपना नेक्स्ट वीडियो है। किसी भी नए टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या आपकी स्ट्रेटजी रह सकती है, क्या वर्क ऑफ वे रह सकता है, किस टूर्नामेंट में किस तरह से क्या प्रोसीजर हो सकता है, कितना अमाउंट आप एक लीग में लेके उतर सकते हैं, कौन से मैचेस आपको खेलने हैं, कौन से नहीं। ये सब चीज़ों में सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी देश की किसी भी कंट्री की कोई भी लीग हो, लीग्स हमेशा बुकीज़ के लिए बनाई जाती है परमानेंटली। तो उसके अंदर आप लोगों को सेलेक्टेड मैचेस अगर आप खेलेंगे जो पंटर्स के लिए बनाए जाते हैं, आपको पता है कि कौन से मैचेस में पंटर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उन मैचेस को पिक करके अगर आप खेलेंगे तो किसी भी लीग में आपके कमा के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक TNPL बुकीज़ का था, फिर KPL पंटर्स का हुआ, उसके बाद जैसे अब BPL है, ये बुकीज़ का होगा, उसके बाद आपका पिक बैच आएगा वो पंटर्स के लिए होगा। तो इस तरह का सीरीज चलता रहता है। तो किसी भी लीग में एक आपकी क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिस भी टूर्नामेंट के अंदर आप उतर रहे हो या खेलने की आपकी इच्छा है तो क्या प्रोसीजर हो सकता है, वो सब चीज़ अपन लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो तीन पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ग्राउंड्स की, दूसरी बुकी की टीम कौन सी रहेगी जिसके मैचेस आप लोगों को अवॉइड करने हैं, सेशंस के क्या आपके तरीके हो सकते हैं और कौन सी टीम पर आप लोगों को कितना ध्यान देना है, वो सब चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एक मैं बात चीज़ मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि जो लीग होती है कोई भी लीग, वो सिर्फ बुकीज़ के लिए बनाई जाती है। तो अगर आप बुकीज़ के साथ रहेंगे तो आपके उस लीग में कमा के निकलने के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक बुकीज़ की टीम के साथ आपको आप किस तरह से रह सकते हैं, आपको क्या आप कैसे पता लगेगा कि ये बुकी की टीम है, हम उसके साथ रहना है। तो KPL में मैंने आप लोगों को एक रूल समझाया था कि जो भी टीम टॉस के बाद फेवरेट होती है और चेजिंग पे आती है, या चेज वाला तो ऑप्शन अलग छोड़ दो उसको भी, जो भी टीम टॉस के बाद फेवरेट होती है वो बुकी की टीम होती है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं मतलब आप बुकी के अगेंस्ट जा रहे हैं। KPL में अपना ये रूल काफ़ी सक्सेस हुआ था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी डोमेस्टिक लीग हमेशा चेजर को प्रेफर करती है, मतलब सेकंड बैट के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि छोटे मैच, छोटे स्कोर के मैच को मार्केट अपने हिसाब से कहीं भी घुमा फिरा सकता है। लाइक छोटा स्कोर है, उनको डिफेंड कराना है, चेज कराना है, कैसे भी करना है, तो छोटे स्कोर के मैच में मार्केट के पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि मैच को किस तरह से घुमाना है बजाय कि चेज के। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट अपने पास एक रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि अगर हम हर मैच में चेजर के साथ रहें तो हमारे जीतने के चांसेस भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सिंपल रूल KPL वाला अपन को अप्लाई करना है, टॉस के बाद जो टीम फेवरेट होगी वो प्लस चेजर। ये रूल हमने PSL में भी किया था, KPL में भी किया था और अब BPL में भी यही रूल अप्लाई करेंगे। और पिछले दोनों सीज़न KPL और PSL में अपना 90% ये रूल फिट बैठा था, तो BPL में इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी चीज़, बुकी की टीम कौन सी होगी BPL में, बुकी की टीम होगी इस मैच में, इस सीरीज़ में ढाका डायनामाइट्स। आपको ढाका डायनामाइट्स के मैचेस से बच के रहना है, खेलते हो तो सेंसिबली खेलना और सिंपली अवॉइड करना इनके मैचेस ढाका डायनामाइट्स के। और सेशंस की बात करते हैं तो BPL की जितनी भी लंबीज होती हैं 155 से अबव में 90% दो तीन ईयर्स के मैंने जैसे मैं चेकआउट किए हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, नॉट होती हैं 155 से ऊपर। मतलब रियल एवरेज स्कोर जितने भी इन ग्राउंड्स पर होते हैं ढाका चिटगांग में, एवरेज स्कोर 145, 150, 155 एवरेज, इससे भी ऊपर अगर लंबी खुलती है लाइक 70, 75 तो मोस्टली केसेस में वो नॉट होती है। अब हम ग्राउंड्स की बात करते हैं। ग्राउंड्स इस बार इन्होंने तीन ग्राउंड्स रखे हैं, उसका एक रीज़न है कि ढाका और चिटगांग में ही लास्ट तीन चार ईयर्स से मैचेस हो रहे थे। तो जब एक ही ग्राउंड पर आप नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज कर देते हो, लाइक 10 मैच एक ही ग्राउंड पर आपको खेलने, तो उनको विकेट्स को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, जिससे विकेट स्लो और स्लगिश हो जाते हैं, स्लो विकेट्स हो जाते हैं। एक दो मैच आप एक विकेट पे खेलोगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, धीरे धीरे वो स्लो होता जाता है और उसके कारण मैच लो स्कोर भी होने लग जाते हैं। तो अगर आप पिछले एवरेजेस उठा के देखेंगे या फिर पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे तो BPL में एवरेज स्कोर 120, 125, 130, 135 रन ही बनते हैं। तो ये सबसे मेन का मेन वो था, इस वजह से इन्होंने वेन्यूज़ चेंज कर दिए हैं। अब शुरू का फेज़ सिलेट में होगा, दूसरा ढाका में, फिर चटगांव में, फिर फाइनल फेज़ ढाका में होगा। तो आपको ग्राउंड्स और टीम कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, बुकी की टीम को ध्यान में रखते हुए, फेवरेट टीम को ध्यान में रखते हुए और चेजर को ध्यान में रखते हुए ही सौदे करने हैं BPL के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, चेजर, फेवरेट टीम, ग्राउंड्स और
टीम कॉम्बिनेशन। टीम कॉम्बिनेशंस मैं आप लोगों को मैच बाय मैच ही बता पाऊंगा देख के कि कौन सी टीम किस 11 के साथ प्रेफर कर रही है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में सेलेक्टेड मैचेस को पिक करके जो मैं आप लोगों को खिलाऊंगा BPL में उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम। और कुछ चीज़ें अपने को पकड़ में आती हैं तो अपन उसके साथ साथ फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा। फिलहाल के लिए प्रोसेस यही रहेगा कि हमको बुकी की टीम मतलब फेवरेट टीम के साथ चलना है, टॉस के बाद जो भी टीम फेवरेट होती है, क्योंकि इनमें टॉस के बाद ऑड्स में काफ़ी चेंज आते हैं। एक टीम फेवरेट थी टॉस से पहले और टॉस जीतने के बाद वो अनफेवरेट भी हो जाती है, ऐसे बहुत केसेस हैं। और BPL 2-3 के टाइम में काफ़ी फिक्सिंग चलती थी, क्लियर फिक्सिंग लाइक राजपूताना में कैच ड्रॉप्स चौके वगैरह से छोड़ देना, तो वो चीज़ इन्होंने इम्प्रूव करी है बहुत ज़्यादा पिछले 2 सीजन से। इसी यही मेन रीज़न है कि ये जो मैचेस हैं उनको एवरेज करवाते हैं 140-145 तक, इनके पास काफ़ी चांस रहता है मैच को उस पीरियड में घुमाने का, क्योंकि आप 4 से ज़्यादा फॉरन प्लेयर्स खिला नहीं सकते और डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने दम पर मैच को चेज करवा दें या फिर जो कुछ भी इनका सिनारियो रहता है, इसलिए मैच को छोटा करते हैं और छोटे मैच के अंदर ही घुमाने का कोशिश करते हैं मैच को। तो वो चीज़ हमको पकड़नी है और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने पिछले वीडियोज़ मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा कैसे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, अदरवाइज मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। प्ले स्टोर ऐप स्टोर सबके फ़ोन में होगा, आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है टेलीग्राम है, टेलीग्राम ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने के बाद। सर्च बॉक्स में आपको जाना है, यहाँ आपको टाइप करना है DEVENBRAKOTHARI। मैच की स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, मेरी जो नेम की स्पेलिंग है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, देख लीजिए। अगर आपकी नेम की स्पेलिंग आप एक्यूरेट टाइप नहीं करेंगे तो आपको ग्रुप नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि आपको कोई फर्जी ग्रुप मिल जाए। तो आपको नेम की स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है और ए और के बीच में स्पेस नहीं देना है। फिर भी अगर किसी को लिंक नहीं मिलता है तो वो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है 8233-368941। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप मेरे ग्रुप में आ जाओगे, इतने मेंबर हैं आप चेक कर लेना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अगर लिंक ढूंढने में दिक्कत आती है तो 8233-368941। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, थैंक यू।